बिहार में रोजगार हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और यही वजह है कि पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में लगभग लगभग हर पार्टी के एजेंडे में, हर पार्टी के घोषणा पत्र में रोजगार देने की बात कही गई थी, चाहे फिर वो सत्ताधर एनडीए हो या फिर विरोधी दल महागठबंधन। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार को उनके वादा का याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि आपने तो कहा था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आखिर कहां गए आपके वो वादे। साथ ही बिहार के लोगों को सचेत करने की कोशिश की है और सोचने पर मजबूर करवाया है। उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि बिहार के लोगों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने आज एक ट्वीट किया है, ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। विगत एक वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुई हैं। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां रोजगार देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए डबल इंजन की सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। बेरोजगारी, बेगारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गौरतलब हो कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी कहा गया था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट की हस्ताक्षर में वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जिसके बाद एनडीए के घोषणा पत्र में ये बात शामिल हुई कि बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। अब उसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आखिर कहां गए आपके वो वादे। साथ ही उन्होंने बिहार की जनता को सोचने पर मजबूर करवाया है कि कैसे आपका वर्तमान और भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बता दें उन्होंने आगे लिखा है कि बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों के लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। गौरतलब हो कि पिछले दिनों की यह बात है जब महंगाई को लेकर के आरजेडी के तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, सड़क पर वो लोग उतरे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाँ, ये अलग बात है कि उस विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव नहीं शामिल थे। बता दें कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी की तरफ से बढ़ते महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। बात करें अगर हम रोजगार की, तो तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर के हमेशा से सरकार को घेरते आए हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने सरकार का घेराव किया है और उनसे पूछा है। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इस सवाल के बाद एनडीए सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।